आप लोग देख रहे होंगे कि काफी आजकल किसान आंदोलन चर्चा में है और किसानों की स्थिति भी काफी चर्चा में है। तो मुझे लगता है कि कभी क्वेश्चंस इस तरह का पूछा जाएगा, या तो आपका लिखित भी परीक्षा में पूछ सकता है या फिर आपका प्रारंभिक परीक्षा में भी क्वेश्चंस आते रहे हैं और आते रहेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे किसान रेल की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई है, कब चलाई गई है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या और भी इसके बारे में जो विस्तार से बात कर लेते हैं क्या जानकारी है। भारतीय रेलवे किसान रेल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। एक बात आप याद रखिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कुछ समय पहले, आपने देखा होगा, कहा होगा, कहा था कि 2022 तक हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो नई सरकार है कई फैसले ले रही है। कई फैसले में आप देखेंगे कुछ गलत भी फैसले हो जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब कोई निर्णय लेता है तो ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से अच्छा है, उसके दो पहलू होते हैं। जिस तरह आप देखते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह उस निर्णय के भी दो पहलू होते हैं। आप समझिए, आज आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। मैंने देखा आप लोगों से कई बार देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर। आप इतिहास पढ़ते होंगे तो शायद आप लोग नहीं उस कैटेगरी में शामिल होते होंगे। जो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से ही इतिहास जानते हैं उन्हें गांधी को भी गाली देने का अधिकार है, और नेहरू को भी है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी है, और भीमराव अम्बेडकर को है, क्योंकि उन्हें कुछ मालूम नहीं है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, बक सकते हैं। तो आप समझिए कि अब सोचिए MSP की बात है तो ये जरूरी है। आप देखते होंगे कि आपके आसपास जो भी किसान है उनकी फसल इतने कम दामों पर खरीदी जाती है कि एक तरह से उनका खर्च नहीं निकलता है। ये व्यापारी या बिचौलिए यही करते हैं। और आप समझिए कि जो सरकारी मंडियां होती हैं, सरकारी जो भी खरीदार होते हैं एक तरह से, उन तक हर किसी की पहुंच नहीं है। उनके पास मतलब इतनी सुविधा नहीं है कि वो सरकारी मंडी में जाकर अपनी फसल बेच सकें। तो मुझे एक बात तो अच्छी लगी किसानों की कि MSP का एक कानूनी प्रावधान हो जाना चाहिए कि अगर इससे कम दाम पर कोई बिचौलिया व्यापारी या कोई और खरीदता है तो उस पर दंड, मतलब उसे दंड भी लगेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। देखिए इतना तो होना चाहिए, किसान हमारे भगवान है एक तरह से। लॉकडाउन में भी आपने देखा है किस तरह से उन्होंने हमारी मदद की हुई है। और लॉकडाउन की छोड़िए आप लोग, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कई राज्यों में तो आप देखेंगे 70 से 80% किसान, मतलब लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, खेती पर निर्भर रहते हैं। तो मुझे ये बात तो उनकी अच्छी लगी। हो सकता है कि किसी को बुरी लगी हो, लेकिन मुझे लगता है कि इतना तो हो जाना चाहिए। खैर, इस पर हम लोग बात भी कर चुके थे कि क्या उनकी प्रॉब्लम है। सब्जियों और फलों को देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचने हेतु भारतीय रेलवे किसान रेल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है ताकि किसानों को बेहतर दाम मिले और फल व सब्जियों की बर्बादी को रोका जा सके। आप समझिए कि टमाटर कितने जल्दी खराब हो जाते हैं। दूध का कोई अगर दूध है आपका, दही है, तो ये भी तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो ऐसी सुविधा की जा रही है कि अपने जैसे आप सोचिए बिहार से महाराष्ट्र, दिल्ली, या फिर आप समझिए बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट कर दिया जाए कि उसमें टाइम ना लगे, वहां से चली और वहां पहुंच जाए। तो आप समझिए किसानों को फायदा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए हटाइए देश दुनिया की छोड़िए आप लोग, इतने ऊपर स्तर मत समझिए आप लोग। चलिए एक गांव को शहर से जोड़ देते हैं, हम लोग अच्छी कनेक्टिविटी रख देते हैं। एक मतलब ऐसी सुविधा कि आपके यहाँ दूध आपने सुबह 7 बजे लगाया लिया और 8 बजे आप लोग शहर में पहुंच जाते हैं, तो आपको अच्छे दाम मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो समझ रहे हैं आप लोग, आपका जो इनकम होगा वो भी तो ऊपर जाएगा। अभी आप देखते होंगे कि दूध वाला गांव में आता है और वही 25 से 30 रुपया लीटर ले जाता होगा, लेकिन जब आप शहर पहुंचेंगे तो 60 रुपये लीटर मिलेगा। या आप सब्जी की देखते होंगे, टमाटर आप लोकल बाजार में जाते होंगे तो आपके 2-5 रुपया किलो बिक जाते हैं। आलू भी जब आपकी कनेक्टिविटी शहरों से हो जाएगी तो आप वहां कहाँ कहाँ वो बेचना पसंद करेंगे, आप तो शहर में जाएंगे ना। इन्हीं को ध्यान में रखा जा रहा है बातों को। इसके लिए भारतीय रेलवे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रही है, तो इन दोनों मंत्रालयों को भी याद रखिए। वर्तमान में भारतीय रेलवे 4 किसान रेल ट्रेन चला रही है। ऐसी ट्रेनों को चलाने में की राष्ट्रीय स्तर पर काफी अधिक मांग है क्योंकि किसानों को इससे लाभ मिल रहा है। भारतीय रेल मंत्री जो आपके पीयूष गोयल साहब हैं,
इन्होंने हाल में ही कहा है कि सरकार कश्मीर से देश के विभिन्न हिस्सों में सेब के परिवहन के लिए किसान रेलगाड़ियों को की योजना बना रही है। याद रहे कि किसान रेल सेवाओं का उपयोग करते हुए किसानों को और मदद तथा प्रोत्साहन देने के लिए रेल मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचित फलों और सब्जियों की ढुलाई में 50% सब्सिडी देने का निर्णय भी किया है। यह सब्सिडी सीधे किसान रेल को प्रदान की जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रेन्स टॉप टू टोटल योजना के तहत एक किया गया है। याद रखिए, इसी तरह से इनकी किसान की आय दोगुनी की जा सकती है। कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं कि हम डायरेक्ट उन्हें पैसा दे दें। डायरेक्ट पैसा देना कोई किसी बात का समाधान नहीं होता है, आप समझिए। कई जगह आप देखते होंगे किसान ऋण माफ कर दिया जाता है। मैं कहता हूं किसानों का ऋण माफ मत करिए आप लोग, आप उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करा दीजिए, उनकी जो फसल है उसका उचित दाम मिले, तो उनके साथ निर्णय होगा। और वो किसान इतना हमारे देश का कमजोर नहीं है कि आप समझिए कि वो हराम का खाना पसंद करता है। वो मेहनत करता है, मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा कोई मेहनत करता है, किस तरह से खेतों में लगा रहता है। और याद रखिए, मैं कभी उन लोगों का सपोर्ट नहीं करता हूं जो देश की आर्मी यानी कि सैनिकों के बारे में या फिर किसानों के बारे में उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं, क्योंकि ये दो अगर हमारे देश में ना होते तो शायद हम लोग का कोई मतलब ना होता। आज जो हमारी थाली में रोटी आती है वो कोई किसान के, आप सोचिए, कर रहा होगा तभी तो आ रही है। जो आज हम लोग रात में चैन से सोते हैं, कोई हमारी रक्षा कर रहा है तभी तो सो रहे हैं। तो इन दो चार बातों को आप लोग ध्यान रखा करिएगा। आप कोई नेता नहीं है कि वोट बैंक के लिए आपको रोटी सेंकनी है, बाप पर भी रोटी सेंकते रहते हैं, बेटियों पर भी रोटी सेंकते रहते हैं, जब अपने परिवार को नहीं छोड़ते हैं वो लोग, तुम्हें क्या छोड़ेंगे। तो इससे ऊपर उठ के सोचा करिएगा। आखिर ये किसान रेल क्या है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के आधार पर किसान रेल संचालन की घोषणा की थी, ताकि फलों, सब्जियों, दूध आदि से जैसे उत्पादों का त्वरित परिवहन सुनिश्चित किया जा सके, यानी कि जल्दी बहुत कम समय में एक शहर से दूसरे शहर जा सके। केंद्रीय बजट 2020-21 में वित्त मंत्री ने जल्द खराब होने वाले उत्पाद जैसे आपका दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गई आदि के लिए निर्बाध नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन बनाने की घोषणा की थी। आप समझते होंगे कि मांस भी ऐसी तरह देखते हैं आप लोग, कुछ समय के बाद खराब हो जाता है, और या तो आप लोकल बाजार में बेचते हैं तो वहां बड़ा सस्ता बिकता है, ठीक है। वर्तमान में भारतीय रेलवे 4 किसान रेल ट्रेन चला रही है अभी। और याद रखिए, इन सभी को याद भी रख लीजिए, क्योंकि पहली पूछ सकता है, दूसरी भी पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहली किसान रेलवे देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर पटना बिहार के बीच चली है। इस रेलवे का उद्घाटन आप देखेंगे 7/8/2020 को किया गया था। यह एक साप्ताहिक ट्रेन है, यानी कि सप्ताह में एक बार। इसके बाद लोकप्रिय मांग मांग के आधार पर इस ट्रेन को मुजफ्फरपुर बिहार तक बढ़ा दिया गया है, और इसका संचालन सप्ताह में 2 बार कर दिया गया है। इसके अलावा सांगला और पुणे से इसमें लिंक कोच भी शुरू की कर दिए गए हैं, जो किसान रेल में मनमाड़ से जुड़ते हैं, ठीक है। दूसरी देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेलवे की बात करें तो ये आनंदपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक चलती है। इसका उद्घाटन आप देखेंगे 9/9/2020 को किया गया था। यह एक साप्ताहिक ट्रेन है। तीसरी अगर किसान रेलवे की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के बीच चलती है। इसका उद्घाटन आपका 9/9/2020 को साप्ताहिक ट्रेन के रूप में किया गया था। फिर आप देखें, चौथा किसान रेल नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली तक चलेगी। इसका उद्घाटन आपका 14/10/2020 को किया गया था। एक समय आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि आज से आप लोग अंदाजा लगाइए, जब ट्रेन व्यवस्था नहीं थी, बसों की व्यवस्था नहीं थी, तब क्या होता होगा, तब व्यक्ति किस तरह से जाता होगा, कई दिन लग जाते होंगे उसे, समझ रहे हैं आप लोग। तो इससे क्या क्या आप, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, कितने भी टॉपिक आप लोग रट लीजिए, अगर आप उस स्थिति को मतलब नहीं समझते हैं, उसमें अपने आप को रख के नहीं देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बेहतर आंसर लिख पाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। मैं हमेशा बोल रहा हूं आप लोगों से कि कभी भी आपको किसी समस्या को समझना है तो उस समस्या में अपने आप को रखकर देखा करिएगा कि उस समस्या में अगर आप होते तो आप क्या करते हैं, तो आप बेहतर आंसर देख पाएंगे। और कहीं भी किस तरह से डिबेट हो रहा है तो वहां बेहतर अपनी जो भी सच होगा उसे रख पाएंगे, ठीक है।
किसान रेल की अगर लाभ की बात करें कि इससे प्रॉफिट क्या क्या हो सकते हैं। किसान रेल के शुभारंभ के साथ भारतीय रेलवे का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करता है। एयरटेल 2020 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है और यह ट्रेंड कम समय में सब्जियों फलों जैसे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों को बाजार में लाने में मदद करेगी। फिर आप देखेंगे फ्रोजन कंटेनरों वाली ट्रेन द्वारा जल्द खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं जिसमें मछली मांस और दूध शामिल है के लिए एक निर्बाध नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन बनाई जा सकेगी। ठीक है, तो इसके लाभ है, यही किसान रेल की कहानी है। तो इसके बारे में जो भी पॉइंट है उन्हें आप लोग याद रखिए।